आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। फर्रुखाबाद में बीएसपी की समीक्षा बैठक में राम नरेश गौतम ने किया जमकर बवाल। बीएसपी के जिला अध्यक्ष विजया भास्कर के यहां पर समीक्षा बैठक के दौरान नौशाद अली के सामने जमकर किया बवाल। फर्रुखाबाद में आए दिन पार्टी में कार्यकर्ता पद को लेकर करते हैं बवाल। पार्टी की मान मर्यादा की खुलेआम उड़ा रहे हैं धज्जियां। पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश गौतम हाजी फजल मंसूरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी मुखिया बहन मायावती जी का उनका सम्मान करती हैं। हुए बवाल में जब पत्रकार कवरेज कर रहे थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कवरेज करने से रोका। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। चुनाव हुआ 2017 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, बंद पड़े कारखाने हम चालू कर देंगे, ना खाऊंगा ना खाने देंगे, काश्तकार और काश्तकार भाइयों को खाद बीज फ्री कर देंगे, और सबसे लास्ट में कहते थे कि जो देश का काला धन विदेश में पड़ा है उसको मैं देश में लाऊंगा, और देश में लाकर हर गरीब परिवार के हर व्यक्ति को, कभी मुखिया के लिए नहीं कहा, कि 15-15 लाख रुपए देंगे। लेकिन आज तक किसी के खाते में 1 रुपया गया हो तो आप लोग बताओ? नहीं। और जब इतना ही नहीं, बगैर सोचे समझे नोटबंदी कर दी, बगैर प्लानिंग के GST लगा दी, और नोटबंदी किसके की? उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की। और साथियों, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी काम के बदौलत नहीं जीती, ये अगर जीती है तो जो परम पूजवावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी द्वारा हम लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार की वोट की चोरी करके जीती। और वो चोरी कैसे करके जीती? कि EVM में बेईमानी करके जीती। और देश की मात्र एक नेता, देश की मात्र एक पार्टी, देश की एकमात्र नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस दिन वोट खुल रहा था उसी दिन ये कह दिया, जिस दिन 2017 का वोट खुल रहा था, वोट खुलने वाले दिन ही प्रेस बुलाई, और प्रेस बुलाकर ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने EVM में घोटाला कर लिया है। और EVM को लेकर भारतीय बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, हर जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया, और माननीय बहन जी सुप्रीम कोर्ट गए। तब सुप्रीम कोर्ट से कंप्लेन हुआ कि अब बीवीपीएटी पैर से चुनाव होगा। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी काम के बदौलत कभी चुनाव नहीं जीतती है, ये बेईमानी करके जीतना चाहती है। लेकिन आने वाले चुनाव में अब पूरे देश में इनका विरोध हो गया है, आने वाला समय BSP का होगा। अच्छा सर।